दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पूरे भारत में बिजली संकट बहुत ज्यादा है। बिजली संकट इतना ज्यादा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अगर बात करूं तो शहरों में तो तब भी थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन अगर मैं गांव क्षेत्र की बात करूं तो गांव क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है जिसकी कोई सीमा नहीं। सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है। अब आप सोचिए कि 4 से 5 घंटे में ऐसी भीषण गर्मी में कैसे लोग जिंदा बचेंगे, जरा सोचिए। क्योंकि आज मनुष्य को अगर ये पछतावा है कि वाकई में बिजली कटौती हो सकती है, बिजली कटौती हो रही है, तो उस मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि पहले पुराने जमाने में बिजली नहीं जब थी तब वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, हरी भरी हरियालियां थी, लेकिन आज वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी वजह से। अभी भी वक्त है कि अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो आगे अंधकार में रहना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, वनस्पति लगाना चाहिए, हरियाली उगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण जो है ना वो साफ सुथरा रहे। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग सरकार को टारगेट करते हैं, सरकार को टारगेट करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बिजली इस समय लोग खरीद खरीद करके यहाँ भारत में चला रहे हैं। जरा सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, कहीं कोयला खत्म होता है, कहीं कुछ खत्म होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर जगह की तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो जैसे ही बाबा के कानों में ये पड़ा कि भाई बिजली संकट में जनता है, तो बाबा ने 2000 मेगावाट बिजली खरीद डाली है। उम्मीद करते हैं कि अब बिजली में सुधार होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली समय के हिसाब से पहुंचेगी। तो आपकी अब बिजली की समस्या हो गई या खत्म, मुस्कान आपके चेहरे पर होगी बस 1-2 दिन में। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, जल्दी ही हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को खुशहाल रखने में कामयाब होगी। दोस्तों, एक ऐसा उत्तर प्रदेश ही है जहां पर आपको हर एक सुविधा मिल रही है। दूसरा चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं यानी चौकीदार हैं, क्या कभी उन्होंने आज तक एकांत में बैठकर ये कभी सोचा कि दुनिया के जो विभाग थे उनके काम क्यों हुए और क्यों सफल हो गए? ऐसा आप में क्या कारण है जिस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे? जैसे कुछ भाई हमारे कहते हैं कि भैया धरना प्रदर्शन कर डालूंगा, मैं इको चला जाऊंगा, इको गार्डन जाऊंगा। मेरा उनसे एक सवाल है, मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दे दीजिए। जब आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने आए थे, उस समय पर आशा बहुए, आंगनबाड़ी, पीआरडी जवान, अनुदेशक, जाने कितने लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पीआरडी वालों ने 2 दिन धरना प्रदर्शन किया, उनका काम हो गया। आशा बहुओं ने और आंगनबाड़ियों ने 3 से 4 दिन धरना प्रदर्शन किया, उनका काम हो गया। अनुदेशकों का काम हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? कभी विचार किया? नहीं किया। अगर आपको पता है, अगर आपको खुद एहसास हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर हैं गलतियां, तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपके अंदर कौन सा कारण है, क्या कारण है, ये आपको बताना पड़ेगा। सोचिए आप, क्या ऐसा कारण है जिस वजह से आपका कार्य नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहे हैं आप सफल? रात दिन की मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा रिस्पॉन्स? क्योंकि इसके कारण कोई और नहीं है, आप लोग हैं। और आप लोग जब तक एकजुट एक आवाज में नहीं आएंगे, जब तक लोगों को नहीं पहचानेंगे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपनी कमी को ढूंढो, ऐसे करके झांक कर देखो कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, उस गलती को सुधार कर लो। राजनीति बंद करके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। और मैंने आपको ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया, अगर इसी में अगर एक साथ आगे होते तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन आप लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बटना है, आपको फलाने संगठन में जाना है, फलाने नेता के पीछे जाना है, फलानी जगह राजनीति करना है, ये करना है आपको। करिए, आप अपना गड्ढा खोद रहे हैं, किसी और का नहीं। तो अपना जो भी गलती है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि क्या गलती हम कर रहे हैं जिस वजह से हम बहुत ज्यादा गड्ढे में जा रहे हैं। जिस दिन एहसास कर लोगे, डंके की चोट पे बोलता हूं, आपका काम 110% बन जाएगा। और नहीं समझोगे तो आपका नुकसान होगा।
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि सच का गवाह होता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। अगर आपको ऐसा लगता है आपने गलती की है तो कमेंट करें। अन्य लोगों से पूछना चाहता हूं जो चौकीदार नहीं है कि आप लोग वीडियो देखते हो, अरे ये चौकीदार तो वैसे भी नहीं सुधर पा रहे हैं, कम से कम आप ही लोग ही इनका नैया पार कराइए, थोड़ा एकजुटता में आकर के इनके प्रति थोड़ा बोले महफिल में कि भाई चौकीदारों का सम्मान इन्हें वापस मिले। तो आप लोग भी नहीं बोलते, गलत है, एक दूसरे की मदद के लिए आप लोग खड़े होइए, ये निवेदन है हमारा। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अपनी गलती को जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अन्नो त्रिपाठी।